गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड। आज हम ट्रांसलेशन में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे? नेगेटिव हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इन फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको स्ट्रक्चर मालूम ही है किसी भी नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब और नॉट। हेल्पिंग वर्ब और नॉट हम कहीं पर भी एक साथ ही यूज़ करते हैं। कोई सा भी सेंटेंस हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और नॉट एक साथ यूज़ करेंगे। देन कम्स द वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, हम गंदा पानी नहीं पियेंगे। हम क्या काम नहीं करेंगे? हम गंदा पानी नहीं पियेंगे। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? जैसा कि आपको पता है, किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, हमको सबसे पहले ढूंढना है कि काम कौन सा हो रहा है। इसमें काम हो रहा है पीने का। कौन सा हो रहा है? पीने का। और पीने का काम कर रहे हैं हम। पीने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और हम की इंग्लिश होती है वी। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी होती है। तो वी, और आपको पता है वी के साथ फ्यूचर में आता है शैल। वी के साथ फ्यूचर में क्या आता है? शैल आता है। तो वी शैल, वी शैल। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट। तो वी शैल नॉट। ओके, वी शैल नॉट। अब पियेंगे, पीने की होती है ड्रिंक। तो ड्रिंक, हम नहीं पियेंगे, वी शैल नॉट ड्रिंक। ये हमारा सेंटेंस हो गया, वी शैल नॉट ड्रिंक। हम नहीं पियेंगे। हम क्या नहीं पियेंगे? गंदा पानी। गंदा पानी की होती है डर्टी वाटर। गंदा पानी की इंग्लिश क्या हो गई? डर्टी वाटर एंड फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हो गया हमारा, वी शैल नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर। नेक्स्ट इज, वे सड़क पार नहीं करेंगे। वे क्या काम नहीं करेंगे? सड़क को पार नहीं करेंगे। वे सड़क से इस तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? पार करने का। ओके, और काम करने वाला कौन है? वे, मतलब कि दे। और दे के साथ हम लगाते हैं विल, और विल के बाद हमको लगाना है नॉट। तो दे विल नॉट, वे नहीं। क्या करेंगे? वर्ब कौन सी है? पार करना। तो वे पार नहीं करेंगे, दे विल नॉट क्रॉस। दे विल नॉट क्रॉस। अब क्या क्रॉस नहीं करेंगे? सड़क को, द रोड। मे बी रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, इसीलिए उन्होंने कहा है कि वे सड़क को पार नहीं करेंगे। वे सड़क के इस तरफ ही रहेंगे, यहां से दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। शिकारी जानवरों का शिकार नहीं करेंगे। शिकारी जो हैं, उन्होंने ये प्लेज लिया है, प्रण लिया है कि आज से वे किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेंगे, मतलब किसी भी जानवर को नहीं मारेंगे। तो काम इसमें कौन सा करना है? शिकार करने का। शिकार कौन कर रहेगा? शिकारी। तो शिकार करने की इंग्लिश होती है हंट, और शिकारी की होती है हंटर। तो यहां पर हम लिख देते हैं हंटर्स, क्योंकि यहां से देखिए नहीं करेंगे प्लूरल बता रहा है। तो हंटर्स विल नॉट हंट, क्योंकि हमको सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब पता है, नॉट तो आना ही है, और वर्ब भी पता है। ठीक है, तो हंटर्स विल नॉट हंट, शिकारी शिकार नहीं करेंगे। किसका? जानवरों का। तो द एनिमल्स, जानवर भी प्लूरल फॉर्म में दिया है जानवरों, तो इसीलिए एनिमल्स एंड फुल स्टॉप। हंटर्स विल नॉट हंट द एनिमल्स। द नेक्स्ट वन, वह सबके सामने नहीं बोलेगा। कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जिसे और लोगों के सामने बोलने में शर्म आती है, दे फील शाय। तो उसने क्या बोला है कि वह सबके सामने नहीं बोलेगा, उसे कोई बात बतानी है तो वह अकेले में बता देगा। ठीक है, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? बोलने का। करने वाला कौन है? वह, मतलब कि ही। और विल आएगा ही आएगा, और नॉट आएगा,
और बोलने की होती है स्पीक, तो वह नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक, इतना हो गया। अब क्या, कहाँ नहीं बोलेगा, सबके सामने, तो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ही विल नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ये हमारा हो गया सेंटेंस। और लास्ट क्या है, लकड़ी पानी में नहीं डूबेगी, तो लकड़ी है वो कहाँ नहीं डूबेगी, पानी में, लकड़ी पानी में नहीं डूब सकती ना, तो लकड़ी पानी में नहीं डूबेगी, इसमें काम कौन सा हो रहा है, डूबने का मतलब कि सिंक, और सिंक करने का काम कौन कर रहा है, लकड़ी, तो मतलब कि वुड। और आपको एक चीज़ और मैं रिमाइंड करवा दूँ, वुड का जो प्लूरल फॉर्म होता है, मतलब अगर बहुवचन में इंग्लिश में वुड लिखना है तब भी हम वुड ही लिखते हैं, वुड्स नहीं लिखते। अगर यहाँ पर लकड़ियाँ भी होता तब भी हम क्या लिखते, वुड लिखते, वुड्स नहीं लिखते। तो वुड विल नॉट, वुड विल नॉट, डूबने की होती है सिंक, तो लकड़ी नहीं डूबेगी, वुड विल नॉट सिंक, कहाँ पर, पानी में, इन द वॉटर। क्यों नहीं डूबेगी, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो पानी से हल्की होती है, तो वह पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है, इट डज नॉट सिंक। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। द सिक्स्थ वन इज, बच्चे बारिश में नहीं खेलेंगे। आजकल विंटर्स का मौसम चल रहा है, और सपोज करिए कि सडनली रेन होने लगी, बारिश होने लगी, तो हमने क्या बोला कि कोई भी बच्चा बारिश में नहीं खेलेगा। तो यहाँ पर इसी सेंटेंस को कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वे लोग बारिश में नहीं खेलेंगे। काम कौन सा हो रहा है, खेलने का, कौन कर रहा है, बच्चे, मतलब कि चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन विल नॉट प्ले, चिल्ड्रेन विल नॉट प्ले, बच्चे नहीं खेलेंगे, कहाँ पर, बारिश में, इन द रेन, उनसे मना की जा रही है कि बच्चे जो हैं, कोई भी बच्चा बारिश में नहीं खेलेगा, चिल्ड्रेन विल नॉट प्ले इन द रेन। चिल्ड्रेन अपने आप में ही प्लूरल है, तो चिल्ड्रेंस नहीं आएगा, चिल्ड्रेन आएगा। ओके, है हमारा सेंटेंस, शरारती बच्चे बड़ों का आदर नहीं करेंगे। जो बच्चे शैतान होते हैं, मस्ती करते रहते हैं हर समय, अगर उनसे कहा जाता है कि बढ़ जा, कोई बड़ा आया है उसके पैर छू लो, नमस्ते कर लो, तो वो नहीं करते, वो इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर यही सेंटेंस बोला जा रहा है कि जो शरारती बच्चे हैं वे बड़ों का आदर नहीं करेंगे। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, आदर करने का, काम कौन करेगा, शरारती बच्चे, मतलब नॉटी चिल्ड्रेन, नॉटी चिल्ड्रेन। अब फ्यूचर टेंस है तो विल और नॉट तो हमको लगाना ही है, नॉटी चिल्ड्रेन विल नॉट, क्या नहीं करेंगे, आदर, रेस्पेक्ट, किसका, बड़ों का, द एल्डर्स, द एल्डर्स, नॉटी चिल्ड्रेन विल नॉट रेस्पेक्ट द एल्डर्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे नहीं पुकारूंगा, मैं क्या काम नहीं करूंगा, मैं उसे नहीं पुकारूंगा, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, पुकारने का, काम करने वाला कौन है, मैं, मतलब आई और शैल, नॉट तो आना ही है क्योंकि नहीं लगा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, आई शैल नॉट, मैं नहीं पुकारूंगा, कॉल, आई शैल नॉट कॉल, मैं नहीं पुकारूंगा, किसे, उसे, या तो हम हिम लगा सकते हैं या फिर हम हर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम कि हम लड़की को पुकारने के लिए मना कर रहे हैं या किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड द लास्ट टू सेंटेंसेस आर, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हवा आग को नहीं बुझाएगी। कहीं पर हमने बॉन फायर मतलब कि अलाव जला रखा है और हवा चलने लगी, तो सब लोग घबरा गए कि आग बंद हो जाएगी, अलाव बंद हो जाएगा, तो कोई उसमें से बोला कि हवा इतनी तेज नहीं है कि वह आग को बुझा पाएगी। ठीक है, तो हवा आग को नहीं बुझाएगी, काम कौन सा हो रहा है, बुझाने का, करने वाला कौन है, हवा, हवा मतलब है एयर, तो एयर विल नॉट ब्लो आउट,
एयर विल नॉट ब्लो आउट, हवा नहीं बुझाएगी किसको, आग को, द फायर. एयर विल नॉट ब्लो आउट द फायर, हवा आग को नहीं बुझाएगी, इतनी तेज नहीं चल रही कि हवा की वजह से आग बुझ जाए. एंड द लास्ट वन, मेरी बहन मंच पर नहीं बैठेगी. मेरी बहन मंच पर नहीं बैठेगी, काम हो रहा है बैठने का, करने वाला कौन है, मेरी बहन मतलब माई सिस्टर, माई सिस्टर. अब क्या लगाएंगे हम, विल नॉट, माई सिस्टर विल नॉट, माई सिस्टर विल नॉट क्या करेगी, सिट, क्योंकि बैठेगी सिट, मेरी बहन नहीं बैठेगी, माई सिस्टर विल नॉट सिट, कहाँ पर, मंच पर, ऑन द स्टेज. मैंने पहले भी बताया था मंच की इंग्लिश होती है स्टेज. अब कोई व्यक्ति है, उसकी बहन से बोला जा रहा है कि जाकर स्टेज पर बैठ जाओ, लेकिन उसने मना कर दी कि मेरी बहन स्टेज पर जाकर नहीं बैठेगी. ठीक है, दीज आर द 10 सेंटेंसेस फॉर टुडे इन नेगेटिव टेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट दैट यू हैव टू डू इन योर कॉपी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय.